हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लर्न विद सबटाइटल्स। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए यह वीडियो रिकमेंड करता हूं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, यह सिर्फ खेल है यार, इट जस्ट स्पोर्ट मैन, इट जस्ट स्पोर्ट मैन, यह सिर्फ खेल है यार, हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं है। दिस इज़ नॉट जस्ट स्पोर्ट फॉर अस, दिस इज़ नॉट जस्ट स्पोर्ट फॉर अस, या हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं है। हमारे छात्रवास की प्रतिष्ठा नाव पर है। आवर हॉस्टल्स रेपुटेशन इज एट स्टेक, आवर हॉस्टल रेपुटेशन इज एट स्टेक, हमारे छात्रवास की प्रतिष्ठा दांव पर है। हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं, ये लड़की बोल रही कि हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं। वी हैव कम हीयर टू स्टडी, वी हैव कम हीयर टू स्टडी, हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं। ये बोलती है कि आप खेल को लेकर इतने गंभीर क्यों हो, वाई आर यू गेटिंग सो सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, Why are you getting so serious about sports? आप खेल को लेकर इतने गंभीर क्यों हो? हम केवल 4 साल के लिए यहाँ हैं। We are here only 4 years. We are here only for 4 years. हम यहाँ केवल 4 साल के लिए हैं। We are here only for 4 years. फिर ये बोलता है इस लड़की से कि आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप हारे हुए टैग के साथ नहीं हैं। You can say that because you are not the one with the loser tag. You can say that, आप ऐसा कह सकते हैं because, क्योंकि you are not the one with the loser tag. आप हारे हुए टैग के साथ नहीं हैं। You can say that because you are not the one with the loser tag. आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप हारे हुए टैग के साथ नहीं हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको कभी हारने वाला टैग मिलेगा। एंड एनी वे इट्स नॉट लाइक यू विल एवर गेट अ लूजर टैग, एंड एनी वे इट इज़ नॉट लाइक यू विल एवर गेट अ लूजर टैग, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी हारने वाला टैग मिलेगा। ये लड़का इससे बोला बिकॉज यू आर टू स्कैर टू इवन पार्टिसिपेट, क्योंकि आप भाग लेने से डरते हैं। बिकॉज यू आर टू स्कैर टू इवन पार्टिसिपेट। फिर ये लड़की बोलती है कि आपने भाग लेकर क्या प्राप्त किया, वॉट हैव यू इवन गेंड बाई पार्टिसिपेटिंग, आपने भाग लेकर क्या प्राप्त किया। हारने का टैग सही है, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। द लूजर टैग राइट आई कैन टॉलरेट इट। हारने का टैग सही है, ये इससे पूछती कि हारने का टैग सही है। द लूजर टैग राइट I can tolerate it, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। फिर ये बोलता है कि यह कायर होने से कहीं बेहतर है। लड़की इस लड़के से बोलती है कि यह कायर होने से कहीं बेहतर है। इट इज़ फार बेटर देन बींग कॉल्ड अ कावर्ड, इट इज़ फार बेटर देन बींग कॉल्ड अ कावर्ड, यह कायर होने से कहीं बेहतर है। फिर ये बोलता है कि किसी को भी भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह हम वैसे भी हारने वाले हैं। That one must not participate because we are going to lose anyway. किसी को भी भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम वैसे भी हारने वाले हैं। अब ये लड़की इससे बोलती है, Now you are getting personal. फिर ये लड़का इस लड़की से बोलता है, You are getting personal, Maya. आप व्यक्तिगत हो रहे हो माया। तुम यहाँ मुझसे बात करने क्यों आए हो? Why do you come here to talk to me? तुम यहाँ मुझसे बात करने क्यों आए हो? I am going. I am going. फिर ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ बैठने में मज़ा आता है। It is not like I enjoy sitting here. ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ बैठने में मज़ा आता है। फिर ये बोलता है, I might as well think about GC instead. मैं इसके बजाय GC के बारे में सोच सकता हूँ। Actually फ्रेंड्स, GC का मतलब है, इन लोग के हॉस्टल में एक GC टूर्नामेंट खेला जाता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि I might as well think about GC instead. मैं इसके बजाय GC के बारे में सोच सकता हूँ। फिर ये बोलती कि मैं यहाँ सिर्फ समय बर्बाद कर रही हूँ। I am just wasting my time here. मैं यहाँ सिर्फ समय बर्बाद कर रही हूँ। फिर ये बोलती है कि भाड़ में जाओ अन्नी, go to hell अन्नी। फिर ये बोलती है, और हाँ, हम कायर नहीं हैं। एंड यस वी आर नॉट कावर्ड्स
cowards, ये लड़की इस लड़के से बोलती है and yes we are not cowards, और हाँ हम कायर नहीं हैं। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पे ये लोग आपस में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग खेलेंगे कैसे। तो यहाँ पे ये लड़का आता है कि ये लड़का मीटिंग में नहीं शामिल था, ये आके बोलता है कि मैंने अभी मम्मी से बात की, आई स्पोक टू माई मॉम, मैंने अभी मम्मी से बात की। सी सेड इट इज़ ऑल ओके, उसने कहा कि अब सब ठीक है। सी सेड इट इज़ ऑल ओके, उसने कहा कि अब सब ठीक है। एंड सी इज सेंडिंग स्वीट्स टू चीयर अस अप, और वह हमें खुश करने के लिए मिठाई भेज रही हैं। एंड सी इज सेंडिंग स्वीट्स टू चीयर अस अप, और वह हमें खुश करने के लिए मिठाई भेज रही हैं। एंड सी इज सेंडिंग स्वीट्स टू चीयर अस अप, और वह हमें खुश करने के लिए मिठाई भेज रही हैं। हाउ स्वीट, कितना प्यारा, हाउ स्वीट, कितना प्यारा। सच गाइज विल हेल्प अस विन जीसी, ऐसे लोग जीसी जीतने में हमारी मदद करेंगे। ये इसलिए बोल रहा है कि वो लड़का मीटिंग में नहीं था। तो फ्रेंड्स ये बोलता है सच गाइज विल हेल्प अस विन जीसी, ऐसे लोग जीसी जीतने में हमारी मदद करेंगे। सच गाइज विल हेल्प अस विन जीसी। फिर ये बोलता है कि वी आर इन सच अ मेस एंड ही वॉन्ट्स टू ईट स्वीट्स, ये बोलता है कि हम इस तरह की गड़बड़ी में है, हम इस मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं और वह मिठाई खाने को चाहता है। वी आर इन सच अ मेस एंड ही वॉन्ट्स टू ईट स्वीट्स, हम इस तरह की गड़बड़ी में हैं और वह मिठाई खाना चाहता है। बिकॉज यू हैव नथिंग बेटर टू डू, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, और आप जबकि मैं आपकी वजह से एक बार फिर जीसी में भाग ले रहा हूँ। एंड यू वाइल आई एम पार्टिसिपेटिंग इन जीसी वंस अगेन बिकॉज ऑफ यू, मैं आपकी वजह से एक बार फिर जीसी में भाग ले रहा हूँ। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन जीसी वंस अगेन बिकॉज ऑफ यू, योर फोकस इज मोर ऑन डैट गर्ल ऑफ योर्स, आपका ध्यान उस आपकी लड़की पर ज़्यादा है। योर फोकस इज मोर ऑन डैट गर्ल ऑफ योर्स, आपका ध्यान आपकी उस लड़की पर ज़्यादा है। फिर ये बोलता है उससे कि वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन अस, आप अपना गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन अस, आप अपना गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। वाई आर यू वेंटिंग योर एंगर ऑन अस। फिर ये बोलता है कि बंद करो एसिड, जीपिट एसिड, बंद करो एसिड, जीपिट एसिड, उसका नाम एसिड था, बंद करो एसिड, जीपिट एसिड। फिर ये अन्नी बोलता है कि वाई आर यू गेटिंग हाइपर, आप हाइपर क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग हाइपर, आप हाइपर क्यों हो रहे हो। फिर ये बोलता है इट इज़ नॉट लाइक यू आर होल्डिंग एनी विक्ट्री फ्लैग्स हियर, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जीत के झंडे गाड़े हुए हैं। इट इज़ नॉट लाइक यू आर होल्डिंग एनी विक्ट्री फ्लैग्स हियर, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जीत के झंडे गाड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक यू आर होल्डिंग एनी विक्ट्री फ्लैग्स हियर। फिर ये बोलता है डोंट यू डेयर मेस विथ मी, तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करो। डू नॉट यू डेयर मेस विथ मी, तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करो। आई हैव एनी वे लॉस्ट इट, वी हैव बीन लैशिंग आउट ऑन अस, मैं वैसे भी इसे खो दिया, आप हम पर लताड़ रहे हैं। आई हैव एनी वे लॉस्ट इट, मैंने वैसे भी इसे खो दिया। आई हैव एनी वे लॉस्ट इट, मैंने वैसे भी इसे खो दिया, आप हम पर लताड़ रहे हैं। यू हैव बीन लैशिंग आउट ऑन अस, यू हैव बीन लैशिंग आउट ऑन अस, आप हम पर लताड़ रहे हैं। ये बोलता है ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, वह बकवास बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस, वह बकवास बात कर रहा है। फिर ये बोलता है ब्रो ब्रो सिट डाउन, भाई भाई बैठ जाओ। ब्रो ब्रो सिट डाउन, भाई भाई बैठ जाओ। फिर बोलता है ही हैज़ बीन लेक्चरिंग अस, वह हमारा व्याख्यान कर रहा है। ही हैज़ बीन लेक्चरिंग अस, वह हमारा व्याख्यान कर रहा है। फिर ये बोलता है कि इस तरह एक दूसरे को दोष देना यह हमारी मदद नहीं करेगा दोस्तों। ब्लेमिंग ईच अदर लाइक दे वोंट हेल्प अस गाइज, ब्लेमिंग ईच अदर लाइक दिस वोंट हेल्प अस गाइज, इस तरह एक दूसरे को दोष देना यह हमारी मदद नहीं करेगा दोस्तों। ब्लेमिंग ईच अदर लाइक दिस वोंट हेल्प अस गाइज, इस तरह एक दूसरे को दोष देना यह हमारी मदद नहीं करेगा दोस्तों। ये बोलता है कि हम हार रहे हैं क्योंकि हम केवल खोने के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। वी आर लूजिंग बिकॉज वी आर ओनली फीलिंग बैड अबाउट लूजिंग, वी आर लूजिंग बिकॉज, हम हार रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली फीलिंग बैड अबाउट लूजिंग, क्योंकि हम केवल खोने के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोलता है कि हम हारने से घबराते नहीं हैं। वी आर नॉट टेरीफाइड ऑफ लूजिंग, वी आर नॉट टेरीफाइड ऑफ लूजिंग, हम हारने से घबराते नहीं हैं। वी आर नॉट टेरीफाइड ऑफ लूजिंग। फिर ये बोलता है कि जिस दिन हम हारने से घबराने लगेंगे, द डे वी स्टार्ट गेटिंग टेरीफाइड ऑफ लूजिंग, द डे वी स्टार्ट गेटिंग टेरीफाइड ऑफ लूजिंग, जिस दिन हम हारने से घबराने लगेंगे हम जीत की राह खोजने लगेंगे। वी विल स्टार्ट फाइंडिंग द पाथ
टू विक्ट्री, आवर हॉस्टल्स रेपुटेशन इज एट स्टेक, आवर हॉस्टल्स रेपुटेशन इज एट स्टेक, हमारे छात्रावासों की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए हमें भी कुछ दांव पर लगाना चाहिए, सो देन वी टू शुड पुट समथिंग एट स्टेक। फिर ये बोलते हैं कि भाई हमने एक नारा पूछा, भजन नहीं ब्रो, वी आस्क्ड फॉर अ स्लोगन नॉट अ हिम, ब्रो वी आस्क्ड फॉर अ स्लोगन नॉट अ हिम, भाई हमने एक नारा पूछा, भजन नहीं पूछा। कहते हैं कि हमारे पास कल अंतिम तीन फाइनल हैं, वी हैव लास्ट थ्री फाइनल्स टुमारो, वी हैव लास्ट थ्री फाइनल्स टुमारो, हमारे पास केवल अंतिम तीन फाइनल हैं। व्हाई डू वी नीड टू वरी व्हेन यू आर इन द टीम, आप जब टीम में हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई डू वी नीड टू वरी व्हेन यू आर इन द टीम। फिर ये बोलते हैं एनी वे वी मस्ट टेक रेस्ट नाउ, वैसे भी हमें अब आराम करनी चाहिए। एनी वे वी मस्ट टेक रेस्ट नाउ, वैसे भी अब हमें आराम करनी चाहिए। फिर ये बोलते हैं कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, टुमारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस, कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ।